मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल की पोजीशन की। पहले बात कर लेते हैं हम अपनी कल की एनालाइज की। कल जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो नियर अबाउट 1850-960 के आसपास मार्केट मूव कर रही थी, और मैंने ये कहा था कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है 62 से, तो ये दोबारा आएगा 47 तक, और यहाँ से फिर ये दोबारा जो है बुलिश होगा और तकरीबन जो है वो 79-78 वाला एरिया उसको टैच करेगा। और अगर तो इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑलरेडी ब्रेक है, तो हो सकता है इसको ब्रेक कर जाए ऊपर की तरफ, और अगर ये इससे ऊपर निकलता है तो फिर 79 तक जा सकता है। ऊपर का एरिया मैंने कहा था कि बाइंग के लिए फ़िलहाल जो है वो रिस्की रहेगा, लेकिन ये है कि 62 के बाद जब H4 का क्लोज लगा है तो उसके बाद जो है वो इसकी बाइंग काफ़ी कन्फर्म हो गई थी। वही है कि H4 के हिसाब से यहाँ काम करें ना, तो हमारे लेवल्स के ऊपर जो है वो 30-40-50 पिप्स जो है वो ट्रेड ज़ाया हो जाती है या फिर लेट हो जाती है। तो यही होता है कि इसलिए मैंने जो है कोशिश की कि छोटे टाइम फ्रेम पर जो है वो कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, ताकि हम जो है लेवल्स के ऊपर ही इसको देख सकें। और तो ये आप देख सकते हैं कि वही हुआ, यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं हुई 62 से, और ब्रेक करने के बाद जो है वो 78-79 को हिट किया इसने। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो कुछ इस तरह है कि 79 वाला जो एरिया है फिलहाल तो ब्रेक नहीं किया है ऊपर की तरफ, लेकिन जिस तरह की करेक्शन नीचे से करता हुआ आ रहा है, ये तो इस कंडीशन में हो सकता है कि इस एरिया को मज़ीद ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। और अगर ये ब्रेक कर देता है और 79 के ऊपर अगर स्टे करता है, क्लोज करता है H4 का, तो फिर 88 तक जा सकता है। और अगर इसे भी ब्रेक करता है, क्योंकि एक अच्छी खासी जो है वो बुलिश मूव है, करेक्शन कम है, तो इसलिए चांस होंगे कि ऊपर के लेवल जो है वो 1898 भी हो सकता है। और अगर इस एरिया से इसे ये रिजेक्ट रहता है, जिस तरह इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, और अगर यहीं से अगर ये रिजेक्ट रहता है, तो फिर ये एरिया जो है 65-60 वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये टेस्टेड यहाँ से, मतलब इसको बिना ब्रेक किए हुए अगर नीचे की तरफ आता है, तो फिर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। अगर ये ऊपर वाला एरिया टेस्टेड रहा तो फिर हो सकता है इस एरिया को ब्रेक भी कर दे, लेकिन ये कि कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की करेक्शन के साथ बाइंग हो रही है, तो हो सकता है मज़ीद और बुलिश होने के चांस ज़्यादा हैं अभी। तो इस एरिया को अगर ये स्टे करता है तो इस तरह से भी मूव हो सकती है, इसको ब्रेक करे और फिर इस तरह से, एक तो ये मूव हो सकती है। और अगर ये इसे शेडो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, और शेडो ब्रेक करने के बाद अगर नीचे मतलब आने लग जाता है, तो फिर यहाँ तो ज़्यादा फिर चांस होंगे इस एरिया से जो है वो एज ए सपोर्ट के, और इस तरह से फिर जो है वो ये मूव हो सकती है। यहाँ पर ऊपर देखिएगा 85 तक, अगर आप नीचे से बाइंग करें तो 85-84 तक निकल जाइएगा, 84 तक निकल जाना है, इससे ज़्यादा आपने बाइंग होल्ड नहीं करनी 84 तक, अगर ये बाई पोजीशन देता है तो। और अगर ये 1860 के नीचे H4 क्लोज कर जाता है, तो फिर काफ़ी हद तक चांस होंगे कि ये मूव हो जाए। अब इम्पोर्टेंट जो है वो 65 से बीच में जो है वो 60 है, अगर यहीं से ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ पर ये H4 का क्लोज करता है और स्टे भी करता है, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर ऐसे चला गया, तो फिर शायद यहाँ से ये रिजेक्ट भी हो जाए नीचे की तरफ इस तरह। लेकिन सेलिंग थोड़ा एहतियात से देखिएगा,
यही एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो इसको यहाँ से हो सकता है कि कुछ करेक्शन में ले जा सकता है, लेकिन ये कि ये सीधा सीधा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये 79 का एरिया जो है वो पहले भी ये शेडो ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ ज़रूर देखिएगा एहतियात के साथ, क्योंकि अभी जिस तरह की मैंने फिर पहले भी बताया कि जिस तरह की ये मूव्स लग रही हैं, करेक्शन जो लग रहा है इसका, उसके हिसाब से कुछ अभी भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगनेस है बाइंग के लिए, लेकिन जब मेजर रिजेक्शन एरियाज या फिर मेजर रेजिस्टेंट एरियाज पे आ जाते हैं तो मार्केट वहीं जो है वो कितना भी बाइंग स्ट्रांग हो लेकिन कुछ टाइम जो है वो स्टे करती है, और उसका रीज़न ये होता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल होते हैं और वहाँ पर उस बड़े टाइम फ्रेम के ही ब्रेक क्लोज होते हैं, तभी मार्केट जो है मूव कर सकती है, तो इसलिए वहीं स्टे करती है मार्केट और फिर वहाँ पर बड़े क्लोज लगते हैं। इट मीन्स कि जैसे अगर डे का लेवल है तो डे का क्लोज लगे, और उसी तरह से जैसे मैंने 62 का एरिया था तो 62 तो हालांकि परसों ब्रेक हुआ था यहाँ पर ये जो क्लोज लगा था, लेकिन क्लोज लगने के बाद मंडे को शायद हुआ था, तो क्लोज लगने के बाद भी जो है वो यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद जो है फिर इसने बाइंग की, तो इसी तरह से जो है वो मेजर एरियाज जो होते हैं वहाँ पर मार्केट जो है कुछ स्टे करने के बाद फिर अपनी नेक्स्ट मूव करती है। अब 62 के बाद जो है वो 79 का लेवल था, तो वही है कि अगर 62 से ऊपर जैसे निकला है तो फिर 79 तक निकल गया ऊपर की तरफ, तो यही होता है कि लेवल टू लेवल ही मार्केट मूव करती है, बस ये जज करना है थोड़ा सा वेट करके कि कौन सा एरिया जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।